डी स्टूडेंट्स मुझे लैंग्वेज डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन पे आपसे बात करनी है थेरी ऑफ इम्पेरिसम चिल्ड्रेन एक्वायर नॉलेज लैंग्वेज थ्रू हिज हर हर एक्सपीरियंसेस इंटरेक्शन विद वेरियस इन्वायरमेंट दिस इज कॉल्ड इन्वायरमेंटलिज़म मोर एक्सपोयर फ्राम एनवायरमेंट फास्ट द लैंग्वेज एक्वजिशन प्रोसेस थेरी ऑफ एम्पेरिसम से सबत बताती है कि बच्चे जो लैंग्वेज एक्वायर करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करके और उनका इंटरेक्शन अपने इन्वायरमेंट के साथ जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उनकी लैंग्वेज की रफ़्तार फास्ट होगी और जो इन्वायरमेंट है कोई एक किस्म का नहीं होता इन्वायरमेंट की बहुत सी मतलब डायमेंशनस हैं बहुत सी उसकी टाइप्स हैं तो जिस जिस तरह से एक चाइल्ड अपने इन्वायरमेंट यानी मुख्तलिफ डायमेंशन जो इन्वायरमेंट की है उनके साथ वो इंटरेक्ट करता है तो उसकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी उसी तरह से होते हैं द पेरेंट्स हु गिव मोर रीडिंग एक्सपोजर टू देयर चिल्ड्रन जो वालदान अपने बच्चों के साथ ज़्यादा उनको रीडिंग कराते हैं या उनको स्टोरी बुक्स उनके साथ रीड करके उनको सुनाते हैं वो बच्चों उन बच्चों की लैंग्वेज फास्टली डेवलप होती है और इन्वायरमेंट जो इन्फ्लुएंस करता है उसमें जो मदर्स लैंग्वेज है मदर्स लैंग्वेज लिंक टू द डवेलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन लैंग्वेज यानी इसका डायरेक्ट लिंक है माँ की लैंग्वेज का और वो भी उस सूरत में है कि वालदा अगर बच्चे के साथ उसको स्टोरीज सुनाए उससे बातचीत करे और उससे उससे इंटरेक्ट करे और इस तरह वो फिर चाइल्ड की वैकेबलरी में भी इजाफा होता है और चाइल्ड की वैकेबलरी वो यूज़ करता है और इस तरह बोलता है इन्वामेंट का जो इन्फ्लुंस है ये एक बिहेवियरल व्यू है तो बिहेवियर क्या है कि ये अक्रिंग ऑफ समट अक्रिंग ऑफ सम इंसीडेंट सो लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स लर्न स्किल और दैट इज री इन्फोर्स बाई द इन्वायरमेंट तो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन जो है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है लैंग्वेज लर्निंग पर बरह रास्त इसका असर होता है अब लैंग्वेज जो इन्वायरमेंट की है में इंटरेक्शन की भी डिफरेंट स्ट्रैटीज़ हैं और उसकी डिफरेंट डायमेंशनज हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं वो कौन कौन सी है कि एक फैमिली में बहुत से बच्चे होते हैं पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों के साथ तो इंटरेक्शन करते ही हैं लेकिन जो उनके ओल्डर बच्चे होते हैं जो बड़े बच्चे होते हैं वो भी अपनी लैंग्वेज रिफाइन कर लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सीखते हैं और अपने साथ वो आ, मतलब उनकी लिफाइन जो लैंग्वेज है रिफ़ाइन होती जाती है वो मोर एक्सप्रेसिव होते जाते हैं और इसके लिए वो मुख्तफ़ पेरेंट्स स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं जैसे फ़र्ज़ करें वर्ड्स का रिप्रेजेंट करना उनको रिफ्रेज़ करना यानी उनकी प्रैक्टिस करना उनको बार बार रिपीट करना उनके साथ उनको दोबारा उनके साथ इंटरेक्ट करना फिर एक्सपेंड करना यानी वर्ड्स को एक्सपेंड करना डिफरेंट वर्ड्स को फिर उनके छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना और इस तरह करके उनके वो रीस्टेट करना ठीक है और आपको पता है छोटे बच्चे जो होते हैं वो लेबल करते हैं चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स को लेबल करके सीखते हैं उनके नेम्स लेबल करते हैं और इस तरह तो ये भी एक पेरेंट्स उनकी हेल्प करते हैं कि वो बच्चों को लेबलिंग के ज़रिए उनको सिखाएं और इस तरह करके उनको तो चीज़ों को लेबल करके ऑब्जेक्ट्स को लेबल करते हैं डिफरेंट नेम्स के साथ तो इससे उनको उनके कॉन्सेप्ट्स भी बढ़ते हैं उनकी वैकेबलरी भी डेवलप होती है सब मोर स्ट्रेटजीज़ इस सिलसिले में कुछ और स्ट्रेटजीज भी हैं इसमें टीचर का रोल अब बच्चा अपने घर से निकल के स्कूल तक पहुंचा तो वहाँ उसका क्लासरूम में इंटरेक्शन शुरू हुआ और टीचर का रोल भी इस सिलसिले में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टीचर बच्चों को जो है वो उनको प्रैक्टिस करवाता है उन उनको आ, उनके सामने स्पीक करता है और वो लिसन करते हैं फिर उनसे स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाता है तो डिफरेंट वो मतलब फिर बच्चे अपने क्लासरूम्स के साथ क्लास फेलोज़ के साथ बोलते हैं बातचीत करते हैं तो ये भी एक इन्वायरमेंट है जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है इसे सोशलाइजेशन कहते हैं और जो बच्चा इंट्रेक्शन करता है अपने क्लास फेलोज़ के साथ इस तरह भी वो लैंग्वेज सीखता है अच्छा तो एक और स्ट्रेटजी है कार्टून्स देखना तो कार्टून्स भी जो है जो बच्चों की लैंग्वेज और उनकी जो कैपेसिटी है वर्ल्ड कैपेसिटी उसको रिफ़ाइन करते हैं और वो कार्टून जो वर्ड्स बोलते हैं बच्चे उन कार्टून्स को देखते हैं और वो बड़ी इंटरेस्टिंगली वही वर्ड्स बोलने की कोशिश करते हैं और इस तरह कार्टून से भी सीखते हैं फिर इस तरह मूवीज़ हैं डिफरेंट मूवीज़ हैं जैसे पीटर रेबर्ट्स है या दायन के, किंग है ये इस तरह की जो मूवीज़ हैं जो छोटे बच्चों के लिए बनी होती हैं वो बच्चे उनको आ, सीखते हैं और उनको सुनते हैं और उनसे वो लैंग्वेज उनकी डेवलप होती है और अंडरस्टैंडिंग करते हैं फिर क्लासरूम का फ़िज़िकल इन्वायरमेंट जो है दैट इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट जो स्मॉल किड्स हैं उनके लिए जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट वो वो ग्रुप्स की शक्ल में पीयर्स की शक्ल में इंटरेक्शन वाला इन्वामेंट होता है वो लेक्चर मैथड्स वाला नहीं होता मैंने यूके में जो एक प्राइमरी स्कूल विजिट किया तो वहाँ मैंने उसको देखा वहाँ के क्लासरूम को तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज़ वेरी कलरफुल तो बच्चों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट और उसमें जो चीज़ें थी वो बच्चे उनसे इंटरेस्टिंगली उससे लेबल करते हैं फिर जो uh, जो लैंग्वेज uh, लिटरेसी या दूसरे स्किल्स के लिए मुखलिफ मटीरियल्स होते हैं उनको बच्चे सीख कर उनको देख के तो इस तरह ये एक इन्वामेंट जो उनको uh, फ्राहम किया जाता है फिर इस तरह ग्रुप रीडिंग में है वो भी ग्रुप रीडिंग करके बच्चे जो है वो लैंग्वेज को सीखते हैं ये भी इन्वायरमेंट की एक शक्ल है इंटरेक्शन की और क्लास में जो क्लासरूम लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है और लिट्रेसी स्किल्स के लिए जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में वर्ड्स की शक्ल में डिजिट्स की शक्ल में हिंसों की शक्ल में उन सब और मुख कलर्स के होते हैं उनको तरतीब देना उनको जोड़ना उनको नए उनसे अल्फाज बनाना ये सारी प्रैक्टिस भी इस तरह एक चाइल्ड जो है उसकी लैंग्वेज डिवेलप होती है और वो और ये याद रखें कि लिसनिंग से शुरू करके वो आगे फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं और फिर वर्ड्स बोलते हैं तो इस तरह उनकी लैंग्वेज तो ये थी इन्वायरमेंट की मुख्तफ डायमेंशन जिन साथ अमल करके बच्चे जो है वो लर्निंग उनकी लैंग्वेज लर्निंग होती है और इन्वायरमेंट का बहुत ही डायरेक्ट रिलेशनशिप है लैंग्वेज लर्निंग के साथ